मैं आपको ये मशीन चलाना सिखाऊंगा, और अगर आपने ये मशीन चलाना सीख लिया तो आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। आज मैं आपको ये व्हील एक्सावेटर है ये चलानी सिखाऊंगा, और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आपकी सपोर्ट के लिए सभी का धन्यवाद है, और ऐसे ही आप अपना प्यार बढ़ाते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलो मैं पहले आपको मशीन दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इस मशीन की जानकारी देना चाहता हूँ। ये मशीन व्हील एक्सावेटर है और इसके 8 टायर हैं। ये फ्रंट साइड है मशीन की, ये प्लेट है, और ये पीछे आप देख सकते हो 2 जैक हैं इस मशीन के। ये 2 जैक हैं, एक ये जैक है और एक दूसरा जैक है। जब भी आप वर्क करते हो आगे प्लेट लगा के और पीछे जैक लगा के आपने काम करना है। जब भी आप काम करते हो जो है ये मशीन का बूम है जहाँ पे वॉल्वो लिखा है, और ये स्टिक है मशीन की, ठीक है। ये बूम है और ये स्टिक है। ये आपको मैंने बाहर से दिखा दिया, अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये व्हील एक्सावेटर है तो इसका ये स्टेयरिंग है, और हम स्टेप बाय स्टेप सारी मशीन के जितने भी अंदर के फंक्शन है उनकी बात करेंगे। पहले आप जब भी मशीन में बैठते हो मशीन को स्टार्ट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये मशीन का गियर है, ठीक है जी। ये आगे को करेंगे मशीन आगे को जाएगी, पीछे को करेंगे पीछे को जाएगी। अगर ये ऐसे है, न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल नहीं है हम मशीन को स्टार्ट करेंगे मशीन स्टार्ट नहीं होगी। देखिए ये देखिए मशीन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है जी। इसको हम न्यूट्रल करेंगे, ऐसे न्यूट्रल कर दिया और अभी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मशीन स्टार्ट हो गई। इस बात का ध्यान रखना है आपने हमेशा कि ये गियर में नहीं होनी चाहिए मशीन, न्यूट्रल में होनी चाहिए तभी स्टार्ट होगी। अभी हम इसको बंद करते हैं। कई बार क्या होता है ये हाइड्रोलिक लॉक है, अगर मशीन आपका न्यूट्रल में है, ठीक है जी, और ये ऊपर को ऑन है और फिर मशीन स्टार्ट करके देखिए नहीं होगी, फिर भी नहीं होगी स्टार्ट। ये देखिए ये देखिए ये मशीन स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है जी। अभी हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे, लॉक ऑफ कर देंगे, अभी स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए अभी स्टार्ट हो गई है मशीन। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है जब आप मशीन के अंदर बैठते हो कि ये मशीन गियर में नहीं होनी चाहिए और ये लॉक ऑन नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है जी। फर्स्ट तो ये हो गया, मशीन स्टार्ट होने के बाद ये हाइड्रोलिक लॉक है, इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे तो मशीन के सारे फंक्शन काम करेंगे। अगर हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे, अभी ये ऑफ हो गया, मशीन का कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। मशीन स्टार्ट होने के बाद इसको हाइड्रोलिक लॉक को ऑन कर लीजिए और फिर ही फंक्शन काम करेंगे, चाहे वो हाथ के हों चाहे वो टायर के हों, वो तभी काम करेंगे अगर ये हाइड्रोलिक लॉक ऑन है, ठीक है जी। हम इस स्विच की बात करते हैं, अभी ये टी पे है, टी पे है तो मशीन के सिर्फ टायर ही काम करेंगे, ऊपर वाला कोई लीवर काम नहीं करेगा। जब आप रोड पे लेके जाते हो तो मशीन को टी में कर दो। अभी हम इसको डबल यू में कर देंगे तो अभी मशीन के टायर भी काम करेंगे। अब अगर आपने गियर को आगे की तरफ किया तो आगे की चलेगी मशीन, और पीछे को करेंगे तो पीछे भी चलेगी, और ये फंक्शन भी काम करेंगे एक साथ सभी, ठीक है। आप जब वर्किंग मोड में हो तो आप डबल यू पे इसको स्विच कर देना, और अगर आप रोड पे लेके जा रहे हो मशीन तो आप टी के ऊपर कर देना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब रोड पे लेके जाओगे मशीन तो इसको टी पे कर देना, क्योंकि फिर ऊपर वाला कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। बाई चांस आपका हाथ लग गया, इधर हाथ लग गया या इधर हाथ लग गया तो मशीन का ऊपर वाले फंक्शन काम करेंगे। मान के चलिए आप रोड पे जा रहे हो, आपका ऐसे हाथ लग गया तो मशीन ऊपर से स्विंग हो जाएगी और रोड की तरफ से कोई आता है तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। तो आप इसको टी पे ही काम कीजिए, जब आप टी पे लेके जाइए मशीन, इसको स्विच को टी पे रखिए जब आप रोड पे लेके जाते हो। अभी हम बात करते हैं कि आपको मशीन को रोड पे लेके जाना है तो
तो वो क्या क्या फंक्शन है इस मशीन में। ये इसका गियर है, ठीक है जी। इसको आगे की तरफ करेंगे, ऐसे आगे की तरफ करेंगे तो मशीन आगे को चलेगी, ठीक है जी। अगर आप इसको पीछे की तरफ करेंगे तो मशीन पीछे को चलेगी। और इसमें दो फंक्शन है गियर में, और दो फंक्शन क्या है जी, अगर आप एल पे करोगे तो मशीन स्लो चलेगी, लो में चलेगी। अगर आप इसको हाई में कर देंगे तो मशीन हाई में चलेगी। इसके ये फंक्शन है, ठीक है जी। आगे को करेंगे मशीन आगे को चलेगी। पीछे को करेंगे पीछे को चलेगी। एल पे कर देंगे तो स्लो चलेगी, और हाई पे कर देंगे तो फास्ट चलेगी। इस तरफ का ये फंक्शन है। अगर हम इस तरफ बात करें और ये इसको आगे की करेंगे, जो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है वो काम करेगा, ये देखिए। और अगर आप इसको पीछे की तरफ करेंगे, अगर जो राइट साइड का इंडिकेटर है वो काम करेगा। इसका ये फंक्शन है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे, जैसे रोड पे पास देना होता है, तो वो उस लिए है। और ये इसका हॉर्न है, यहाँ पे से भी काम करता है। और इसको ऐसे आप आगे को करेंगे, जो मशीन का ये शीशे के आगे वाइपर होता है वो काम करता है, ठीक है जी। इसका ये फंक्शन हो गया। अब हम जो नीचे के पैंडल हैं उनकी बात करेंगे। और ये जो फर्स्ट पैंडल है, ये रेस है, इसका एक्सीलेटर है। इसको आगे को दबाएंगे, ये इसका रेस है, ठीक है। जब आप रोड पे लेके जा रहे हो मशीन, ये इसका है। और अगर सेकंड की बात करें, ये इसकी ब्रेक है। ये मशीन का ब्रेक है। और इस तरफ हम तीसरे पैंडल की बात करें, इसको हम प्रेस करेंगे मशीन के जैक हैमर के लिए। और मेरी मशीन के आगे ड्रम कटर लगा है अभी, ये उसमें भी काम आता है। ये इसका है, और इसका और कोई काम नहीं है। और इस लीवर में आप इसको प्रेस करेंगे तो हैमर चलेगा। ये उसका स्विच है, बाकी ये इतने यूज़ में नहीं आते हैं। और ये उसका हैमर का है, ये हाथ से भी चला सकते हैं और आप पैर से भी चला सकते हो, ये उसका है। और इस तरह बात करेंगे तो ये हॉर्न है यहाँ पे, बस इसका ये काम है। और इनका इधर स्विच का ज़्यादा काम नहीं होता, बस ये हॉर्न का है और ये है हैमर का, ठीक है जी। अभी हम फर्स्ट बात करते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड के, जो जैक पूरा कंट्रोल है, जब आप काम करना है जैक कैसे लगाने, उसका हम पूरी बात करते हैं। ये देखिए, ये जो है लॉक, ये प्लेट का लॉक है जो आगे की तरफ है। इसको ऑन कर दिया। इसको आगे, ये जैक है पीछे की तरफ के, जैक के कंट्रोल है, इसको ऑन कर दिया। अभी ये ऑन है, ठीक है। अभी ये पूरे वर्क करेंगे, ये ऑन है, आगे की तरफ ऑन है। अगर हम इस लीवर को आगे की तरफ करेंगे, देखिए आप प्लेट और जैक दोनों वर्क करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे जब आपने काम करना है, ठीक है जी। अभी चारे फंक्शन एक साथ काम करते हैं। अभी देखिए, ये प्लेट और जो पीछे के जैक है वो नीचे को आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर उठ गई है मशीन, और फिर आप काम कर सकते हो। अगर हम इसको पीछे की तरफ करेंगे, और आगे का जो प्लेट है और जो पीछे के जैक है वो ऊपर की तरफ आने लग जाएंगे। ये देखिए, ये सारे फंक्शन एक साथ काम करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इसको बंद कर दिया, ये पीछे के जो जैक है ना, इनको बंद कर दिया है। अभी ये प्लेट का अकेला ऑन है आगे को। अगर हम इसको आगे को करेंगे प्रेस, फिर लीवर को, तो आगे का प्लेट का जो फंक्शन है वही अकेला काम करेगा, और प्लेट नीचे की तरफ को आ रही है। और अगर हम लीवर को पीछे की तरफ कर देंगे तो जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ आ रही है। अभी जैक का कोई काम नहीं है, क्योंकि उसके हमने स्विच ऑफ कर रखे हैं, ठीक है जी। अभी हम प्लेट को ऑफ कर देंगे ऊपर की तरफ, और ये जो पीछे के जैक है उनको ऑन कर देंगे, ठीक है जी। अगर अभी हम ये लीवर है, इसको आगे को प्रेस करेंगे, जो पीछे के जो जैक है वो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है जी। अगर हम इसको ऊपर की, इस लीवर लीवर को ऊपर की तरफ कर देंगे, तो जो पीछे के जैक है वो ऊपर की तरफ आने लग जाएंगे। अगर हम इनको चारों को फंक्शन को, अभी ये चारों फंक्शन ऑन है, अगर हम ये चारों को ऑन है तो लीवर आगे को करेंगे, तो ये प्लेट आगे की जो फ्रंट की है और जो पीछे के जो जैक है वो नीचे की तरफ जाएंगे। और अगर हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया। अभी हम इस तरफ आते हैं, इस तरफ देखते हैं इसके क्या फंक्शन है। इस तरफ फंक्शन है, ये लाइट के हैं,
ये लाइट के हैं, ये दो इनको आगे को प्रेस करेंगे, जो मेन लाइट है हेड लाइट है उनके ये फंक्शन है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे जो ऊपर सेफ्टी लाइट है वो ऑन आ जाएगी, हो जाएगी। और ये पूरा एसी का है, ये पूरा फैन उसका एसी का है, ठीक है जी। और ये इसका, अगर ये स्विच की बात करें, जब आप मशीन के हैमर लगाओ या ड्रम कटर लगाओ, अब इसको ग्रीन हो रहा है तो ये उसका है, इसको ऑफ कर देंगे, ये नहीं चलेगा, ठीक है जी। और ये जो है अभी ये ग्रीन हो रहा है, ये अगर मशीन आप रोड पे लेके जा रहे हो, मशीन जा रही है तो ये अलार्म है, इसको ऑफ कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, आपको इसको ऑन रखना है या ऑफ करना है। और ये है जो ये स्विच को ऑन कर देंगे तो ये सेफ्टी का है, आप रोड पे काम कर रहे हो और ये पार्किंग में चली गई है मशीन, ये देखिए ये पार्किंग का है। और ये एक्सल लॉक हो जाते हैं, इससे मशीन के एक्सल लॉक हो जाते हैं, ठीक है जी। मशीन लेफ्ट राइट नहीं जाती, लॉक हो जाते हैं इसका, ये लॉक सिस्टम है। दो लीवर है मशीन के, एक राइट साइड में है और एक ये लेफ्ट साइड में है। इनमें दोनों लीवरों में चार चार फंक्शन है। हम पहले राइट साइड के जो चार फंक्शन उनकी बात करते हैं। अगर हम इस लीवर को ऊपर की तरफ करेंगे, जो मशीन का बूम है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है जी। अगर हम इसको नीचे की तरफ करेंगे, जो बूम है वो नीचे की तरफ आने लग जाएगा। अगर हम इसको इस तरफ प्रेस करेंगे, जो आपकी मशीन के आगे डिपेंड करता है, बॉकेट है, हैमर है, वो बंद होने लग जाएगा। अगर हम इसको इस तरफ करेंगे, बार की तरफ, तो जो बॉकेट है वो खुलने लग जाएगी। ठीक है जी, इसके जो चार फंक्शन है। अगर हम इस तरफ बात करें, जो लेफ्ट साइड का फंक्शन है, अगर हम इसको बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, जो मशीन है वो लेफ्ट साइड घूमने लग जाएगी। अगर हम इसको राइट साइड की तरफ प्रेस करेंगे और मशीन है वो राइट साइड घूमने लग जाएगी। अगर हम इसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे, जो स्टिक है वो बाहर जाने लग जाएगी आगे की तरफ। अगर हम इसको पीछे की तरफ करेंगे तो स्टिक है वो बंद होने लग जाएगी, आपकी तरफ आने लग जाएगी। ठीक है जी, इसके चार फंक्शन ये हो गए हैं। जब भी आप इस मशीन से काम करते हो, पहले आपने मशीन के जैक लगाने हैं, उसके बाद ही काम स्टार्ट करना है। ये चैन एक्सावेटर नहीं है, ये व्हील एक्सावेटर है। पहले आप जैक लगाओ, उसके बाद ही काम स्टार्ट करो। आपने ये वीडियो में देखा कि हम एक्सावेटर मशीन को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप इस मशीन को ऑपरेट करना सीख जाते हो, कम से कम आप कतर में 1 लाख के करीब आप सैलरी कमा सकते हो इस मशीन को सीख के। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं जो मशीन के रिलेटेड है और कतर की इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है, वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे सभी का रिप्लाई करता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।